नमस्कार किसान दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कैप्सिकम की ए टू जेड जानकारी ली। प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सभी जानकारी आपने हमारे कैप्सिकम के वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैप्सिकम में भयंकर रोग, विनाशकारी रोग यानी कि कैप्सिकम का कोलर रोट। जी हाँ किसान दोस्तों, कोलर रोट रोग फसलों के लिए एक विनाशकारी रोग माना जाता है, जिससे उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि यह रोग एक कवक जनित बीमारी है जो स्क्लेरेटोरियम रोल्फी के कारण होता है। इस बीमारी में सबसे पहले जमीन के पास पौधों का तना सड़ने लगता है। इसके कारण कैप्सिकम सहित तमाम तरह के अन्य फसलों के पौधे फलने की अवस्था में ही मुरझाकर मर जाते हैं। इस रोग का रोगकारक मिट्टी में ही मौजूद रहता है, क्योंकि यह रोग सोइल बोर्न डिजीज है। युवा पौधा पर यह बीमारी के संक्रमण के फैलने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, खासकर जब मौसम गर्म हो, अत्यधिक बारिश हो और जमीन में बहुत गीली हो यानी कि जमीन में बहुत भेज हो, तब इन परिस्थितियों में यह रोग निचले हिस्से के क्षेत्रों में तने को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। तो किसान दोस्तों, इसके रोकने के उपाय क्या क्या है? इससे रोकने के लिए पौधों के आजू बाजू ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लक्षण वाले पौधे को उठाकर नष्ट कर दें। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा प्लस सुडोमोनास का ड्रेंचिंग करें, जिससे फंगस पे काफ़ी नियंत्रण मिलता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3-4 ग्राम प्रति पंप में डालकर उसका ड्रेंचिंग करके उसको काफ़ी अच्छा परिणाम आप ले सकते हो, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का बहुत ही अच्छा परिणाम है और इससे आपका रोग आगे नहीं बढ़ेगा और आपके रोग में काफ़ी नियंत्रण देखने को मिलेगा। जी हाँ किसान दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी खेतीबाड़ी की जानकारी हमारे यूट्यूब माध्यम से लेते रहें। धन्यवाद किसान दोस्तों।